Audio Jungle. अशोक विहार के वार्ड नंबर 75 से बीजेपी के निगम पार्षद योगेश वर्मा ने गुरुवार को अपने वार्ड में विकास कार्यों का जायजा लिया। वे एक अनूठे अंदाज में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक जलूस की शक्ल में पूरे प्रशासनिक लाव लश्कर के साथ सबसे पहले वजीरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शनि बाजार रोड पर बने कूड़े घर की साफ सफाई का न सिर्फ जायजा लिया बल्कि अक्सर यहां लगने वाले कूड़े के ढेर के लिए लोगों को समाधान भी दिया है। आज जो मैंने वजीरपुर गांव को एक बहुत बड़ा नायाब तोहफा हमने दिया है कि आज हमने जो ढलाव पिछले कई सालों से एक समस्या बना हुआ था उसके स्थान पर एक नया कंपैक्टर लगने जा रहा है। अब आपको ना तो वहाँ पर आपको गंदगी देखने को मिलेगी, ना ही वहाँ पर आपको गायें या कोई ऐसे जानवर बीनने वाले या कहीं पर ऐसे कुत्ते देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो नया 2.5 करोड़ की लागत से जो गांव के अंदर कंपैक्टर लगने जा रहा है वो एकदम कूड़े का नामो निशान यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और एक ये बहुत बड़ा तोहफा वजीरपुर गांव को आज हमने दिल्ली नगर निगम ने दिया है। इस दौरान वजीरपुर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व MLA महेंद्र नागपाल भी उनके साथ रहे और उन्होंने अपने इस दौरे को पूरी तरह सफल बताया। ऐसा है कि जनता के बीच में जाना जनप्रतिनिधि का बहुत जरूरी है। एक तो समस्याएं सामने आती हैं, समस्याओं के साथ उसका किसी तरह से समाधान हो, ऑफिसर साथ में होते हैं। पार्षद आपके द्वार, ये हमारी पूरे दिल्ली के अंदर जो नगर निगम है, हमारे सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्रों के अंदर हर शनिवार को या कोई ना कोई ऐसा दिन उन्होंने चुना हुआ है कि हम पब्लिक के बीच में जाएं और समस्याओं का समाधान करें। फिर उनका काफिला जा पहुंचा अशोक विहार की आई ब्लॉक मार्केट, जहां लोगों ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी। सीवर एक है, हम इतनी सफाई रखते हैं, इतनी सफाई रखने के बावजूद भी हमें सुननी पड़ती है, क्योंकि हम काम धंधे वाले हैं। एक मिनट में आके हर कोई धमकी देता है, जी तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे, तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे। अब बारी थी अशोक विहार की मुर्गा मार्केट में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने की। इसके बाद जे ब्लॉक के एक पार्क में कुछ नए विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। अंत में योगेश वर्मा जे ब्लॉक रेजिडेंट से रूबरू हुए और उनकी भी समस्याएं सुनी। योगेश जी, हम इतने सक्षम तो है ही हैं कि क्या 2 दिन के अंदर बैंक से बैंक पहुंच जाएंगे? अब ये योगेश जी को मैं माइक देता हूं। इसके अलावा किसी की अगर अच्छा, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको। आपने सुबह उस आवाज को सुना कि अगर वो आएंगे तो हम भी सम्मिलित होंगे। आज ये आपने सही काम किया। अगर हम ये हमेशा करते रहे तो प्रॉब्लम है ही कहां। हम कहते हैं वो समाधान कर देगा। अरे खुद को, स्वयं को पहले जगाओ, फिर देखो कैसे समाधान नहीं होता। आपका विशेष धन्यवाद कि आपने कूड़ेदान बंद करवा दिया, जो सब तीनों चार एसोसिएशन की सबकी डिमांड थी। ऐसे ना जी, चार एसोसिएशन संजय जैन जी बैठे हैं, चार एसोसिएशन की डिमांड थी कूड़ेदान बंद हो गया जी। माना कूड़ा सा सारा हो गया, पर एक नया स्थान डेवलप हो गया जो कि पिछले 2 साल से हम परेशान है। 1.5-2 साल से जब आपने वो बंद कराया है कि यहाँ पे खुलने में कूड़ा गिरने लग गया। अभी वैसा हमने पीछे वहाँ पे कूड़ेदान को वैसा टेम्पर रखवा दिया था जिसके अंदर कलेक्शन हो जाता था और रोज कूड़ा चला जाता था, अब वो भी कहीं पता नहीं शिफ्ट हो गया है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर क्षेत्र के निगम पार्षद यूं ही निरंतर रूप से अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लेते रहें तो क्षेत्र का बेहतर सुधार किया जा सकता है। कैमरामैन शम्मी वेदी, प्रिया गोयल, अदिति शर्मा के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।